ये बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के लिए आज रात्रि भोज का आयोजन किया जाएगा। नायब सैनी की तरफ से सभी विधायकों के लिए डिनर का आयोजन, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नायब सैनी सभी नवनिर्वाचित विधायकों को डिनर देंगे और मुख्यमंत्री आवास पर ही ये डिनर का आयोजन। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, मोहनलाल बड़गुनी भी यहां पर मौजूद रहेंगे। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया भी रात्रि भोज में शामिल होंगे और तमाम विधायक भी मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल शपथ ग्रहण समारोह होना है, बतौर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दूसरी बार शपथ लेंगे और उससे पहले आज विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक में तमाम विधायक मौजूद रहे, फिर उसके बाद राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे। राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया गया, लेकिन अब रात को रात्रि भोज का जो कार्यक्रम है वो मुख्यमंत्री आवास पर रहने वाला है। मुख्यमंत्री आवास पर रात्रि भोज का कार्यक्रम होगा जिसमें तमाम विधायक मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी वहीं मौजूद रहेंगे। सतीश पूनिया जो कि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, ये भी रात्रि भोज में शामिल होंगे। और रात्रि भोज के दौरान क्या कोई और बातचीत भी होगी ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। हालांकि रात्रि भोज के लिए सभी विधायकों को बुलाया गया है और अब हर किसी की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि मंत्रिमंडल को लेकर के क्या कुछ नाम सामने आते हैं, क्योंकि विधायक दल के नेता चुने जा चुके हैं। नायब सैनी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, अब ये पूरी तरह से साफ हो चुका है। सरकार बनाने का दावा पेश किया जा चुका है। बीजेपी विधायक दल के लिए आज रात्रि भोज का आयोजन सीएम हाउस में होगा। नायब सैनी की तरफ से रात्रि भोज का कार्यक्रम रखा गया है। रात्रि भोज पर बुलाया गया है सभी नवनिर्वाचित विधायकों को। 48 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके साथ साथ प्रदेश बीजेपी के जो प्रभारी हैं सतीश पूनिया, प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी इस रात्रि भोज के कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बीजेपी विधायक दल की आज बैठक हुई, इस बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। मोहन यादव जो सीएम है मध्य प्रदेश के, वो भी यहां पर पहुंचे। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? बताया जा रहा है कि रात्रि भोज का आयोजन सीएम हाउस में होगा और वहां तमाम जो विधायक हैं वो पहुंचेंगे, क्या कुछ ज्यादा जानकारी रात्रि भोज के कार्यक्रम को लेकर? बिल्कुल, देखिए विधायक दल की बाद आज मुख्यमंत्री नायब सिंह निर्वाचित विधायक कराने वाले मुख्यमंत्री आवास आयोजन किया जाए। इस डिनर में मोहन लाल हरियाणा मोहन लाल रात्रि भोज का कार्यक्रम सीएम आवास पर होगा और सीएम आवास पर तमाम विधायक जुटेंगे। यहां पर डिनर के लिए बुलाया गया है सभी को नायब सैनी की तरफ से। नायब सैनी विधायक दल के नेता चुने गए, यानी कि अगले मुख्यमंत्री नायब सैनी ही हैं प्रदेश के, और उनकी तरफ से तमाम विधायकों को डिनर पर इनवाइट किया गया है। शपथ ग्रहण से एक दिन पहले सीएम आवास पर डिनर तमाम विधायकों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक चुने गए हैं। बीजेपी विधायक दल के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया गया।